हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर राजकुमार। तुम देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी। इस चैनल से असं तुम्हें प्लस वन फिजिक्स कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जेकर तुम साडे चैनल पर नवे आए हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो। इस लैक्चर के असी लैक्चर नंबर 2 डिस्कस करा जिसका टॉपिक है इंटीग्रेशन। जेकर तुम्हें पुराने लैक्चर देखना चाहते हो साडे यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी की प्लेलिस्ट में जाके प्लस वन फिजिक्स कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, उस लैक्चर सारे सीरीज वाइज लिते हुए ने, वो तुसी जाके देख सकते हो। चलो असी हुण लैक्चर नंबर 2.0 ना इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। सब तो पहला इंटीग्रेशन शुरू करने तो पहला इंटीग्रेशन का मतलब की है। जेकर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिता हुआ है, उस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हुण तुसी जे एक्स की वैल्यू 1 तो लैके एक्स वैल्यू 2 तक इस अंडर जेड़ा फंक्शन दा तुसी एरिया कटना चाहते हो, इस एफ एक्स फंक्शन द्वारा एक्स 1 तो लैके एक्स 2 तक विद एक्स एक्सिस नाल जेड़ा एरिया ड्रॉ किया है, यह कटना चाहते हो विद दी हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन कट सकते हैं। जां असी कह सकते हैं जेकर एक छोटी जी स्क्रिप्ट ले लिए, बिल्कुल स्मार्ट, ए लगभग एक रैक्टेंगुलर शेप बन जाएगी जिहदी विड्थ होगी उस समाल डी एक्स होगी, इसकी जिहड़ी हाइट है वह लगभग इक्वल टू पाई होगी। तो असं कह दिए यह स्ट्रिप्ट का एरिया, समाल स्ट्रिप्ट का एरिया डी ए, समाल एरिया कि होगा बाई इंटू डी एक्स। लाइक रैक्टेंगल बन गई है, रैक्टेंगल एरिया हाइट इंटू लेंथ, जगह लेंथ इंटू ब्रैथ, लेंथ है यदि y है, ब्रेथ है यदि dx है। असी यदि टोटल एरिया करना चाहते हैं x1 तो लेके x2 तक, इसमें कर देंगे असी इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 तो लेके x2 तक, इधर भी लिख देंगे x1 तो लेके x2 तक। तो यह बन जू टोटल एरिया। तो एरिया अंडर द कर्व कढ़ने लिए सानू की करने पैंदे, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 तो लेके 2 पॉइंट तक y इंटू dx। इधर y इज इक्वल टू fx है, y इज इक्वल टू fx कुछ भी हो सकता है फंक्शन, y इज इक्वल टू x स्केल भी हो सकता है, y is equal to 2x भी हो सकता है, y is equal to 3x cube भी हो सकता है, एनी फंक्शन हो सकता है जेड़ा कि बिजे वेरिएबल की होगा x नाल y किवें चेंज हो रहा है, उसमें असी fx पुट कर देंगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 1 तो लेके 2। यह सानू दसूगा एरिया अंडर fx, एरिया ऑफ fx अंडर कर्व, जां असी कह सकते हैं एरिया ऑफ द कर्व विद दिस फ्रॉम 1.2 another point known as the second point with the x axis now। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਦਣਾ। ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇੰਟੂ dx। यदि इंटीग्रेशन करनी हो गई तो की बन जूगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेकंड फार्मूला है 1 अपॉन x dx की इंटीग्रेशन की होती है log x, बेस इसका e होगा जैन को लिख सकते हैं नेचुरल log x। थर्ड फंक्शन है e की पावर x dx की इंटीग्रेशन करनी हो गई तो वह हमेशा e की पावर x आएगी। फोर्थ फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ द साइन x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन की माइनस कोस एक्स। फिफ्थ फंक्शन है कोस एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी हो आएगी साइन एक्स की। ये तुम फार्मूले अपनी कॉपी से नोट कर लो, जिते जिते तुम्हें लौट पवेगी फिजिक्स के इन्होंने फार्मूलों को यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं तुम्हें एरिया अंडर द कर्व कोई 2-4 फार्मूले लैके दिखाऊंगा, जिमें असी एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्केयर फंक्शन है, असी इसका एरिया कढ़ना चाहते हैं फ्रॉम 1.2 लैके 2 तक, x वैल्यू 1 होए तो लैके दूजी x वैल्यू 2 तक। पहला की करांगे इसका ग्राफ ड्रॉ करांगे, ये तुम्हें समझा रहे हैं तुम वैसे इंटीग्रेशन सीधा सोल्व कर सकते हो। इसका ग्राफ की होंगे पैराबोला होंगे, इसकी नेचर इस तरीके की होंगी है, पॉइंट 1 x की वैल्यू इक्वल टू 1 इत्थे, दूजा पॉइंट लैना है x इज इक्वल टू 2। इस कर्व का जो एरिया होगा विद एक्स एक्सिस फ्रॉम 1.2 लेके 2, इसका मीनिंग की लिखा है y इंटू डी एक्स
इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वैल्यू 1 तो लेके 2 तक ए एरिया जाएगा बाय की वैल्यू की बाय रूट कितने एफएक्स एफएक्स के थे एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स 1 तो लेके 2 हुन एक्स एथे एन की वैल्यू 2 होगी एथे एन की वैल्यू 2 प्लस 1 कितना बन गया एक्स 3 बटा एन प्लस 1 2 ते जोड़ा 3 बन गया हुन इहदी इंटीग्रेशन कीती सी असीं 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 1 ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 2 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮੈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਬਟਾ 3 ਮੈਨਸ ਉਹ ਵੀ x ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x ਮੈਨਸ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਬਟਾ 3 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ 8 ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8 ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ 3 ਮੈਨਸ 1 अपॉन थ्री ता इरा एरिया लगभग कितना गया इक्वल टू एलसीएम थ्री ये गया 8 जो कितना आया 7 बाय 3 एस दा एरिया होएगा 1 तो लेके 2 तक जेकर ए यूनिट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जे मीटर से दा मीटर स्क्वायर आएगा ऐसे तरीके नाल तुसी और भी फंक्शन दे एरिया कट सकदे हो e ਦੀ ਪਾਵਰ x dx ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ 1 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੀ ਆਏਗੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆਗੀ ਇੱਥੇ 0 1 e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ 0 e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਾਂਗੇ 1 ਹੋਵੇਗੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਹੋਵੇਗੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ e ਮਾਈਨਸ 1 e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 2.7 ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨਸ 1 ਕਰਾਂਗੇ 1. ਸਮਥਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਵੇਗਾ 1.3 ਯੂਨਿਟ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ 1 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੱਸ 1 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉੱਤਮ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ